लफ्ज़ ज़कात जो है इसका माना क्या है, क्या मुराद है इससे, इसको ज़कात क्यों कहते हैं? शरीयत में जो ज़कात का लफ्ज़ यूज़ होता है कि ज़कात देनी है, जो शख्स साहिब निसाब होगा, साल गुजर जाएगा, वो ज़कात की अदायगी करेगा। सही। तो शरीयत में इसका माना यह है कि अल्लाह ताला ने माल में से जो एक हिस्सा लाजिम किया है उस हिस्से को शरीफ फकीर को दे देना, ये ज़कात कहलाता है। जो कि 2.5% है, किसी के पास 100 रुपये हैं तो वो 2.5 रुपये जो है वो उसमें से ज़कात बनेगी, जबकि वो मालिक निसाब हो। सही। मुझे ये पता करना था कि सोने पर ज़कात, कितना सोना हो तो ज़कात फर्ज हो जाती है, क्या 7.5 तोला सोना होना लाजमी है, या इससे कम पर भी 6 तोला हो या 6.5 तोला हो तो उससे ज़कात फर्ज हो जाती है या नहीं है? कि अगर किसी के पास फकत गोल्ड ही है, फकत सोना ही है, ठीक, तो फिर वो 7.5 तोला या इससे ज्यादा होगा तो ज़कात लाजिम होगी। अगर किसी के पास फकत सोना ही है, चांदी भी नहीं है, रुपया पैसा भी नहीं है ज़रूरत से ज़ायद, कोई माल तिजारत नहीं है, कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह नहीं रखे हुए, कहीं इसने कारोबार में पैसे भी नहीं लगाए हुए, फकत इसके पास सोना है और वो अगरचे 7 तोला ही क्यों ना हो, तो उस सूरत में ज़कात लाजिम नहीं होगी। ठीक। हाँ, सोने के साथ अगर कोई दूसरी चीज़ होगी, जैसे सोने के साथ चांदी थोड़ी सी मौजूद है, या सोने के साथ इसके पास कुछ थोड़ा बहुत माल तिजारत है या प्राइस बॉन्ड है, तो अब ये जो सोने की रकम है और जो दीगर इसके पास अशिया मौजूद हैं उनकी रकम, इनको मिला के देखेंगे, अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाएंगी तो ज़कात लाजिम होगी। ठीक। हुजूर, ये इरशाद फरमाएं कि अब ज़कात हमें ये कैसे पता चले कि हम पर फ़र्ज है? फ़ज़ाइल भी हमने सुन ली है, इसकी बरकत भी हमने सुन ली, कितनी फजीलत है, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि हम पर ज़कात फ़र्ज है? हर वो शख्स जो मुसलमान है, आकिल है, बालिग है, और उसके पास निसाब की कदर माल मौजूद है, और इसका वो पूरे तौर पे मालिक भी है, इस पे कर्ज़ वगैरह भी नहीं है, और इसका जो निसाब है वो हाजत असलिया से भी फारिग है, तो ऐसी सूरत में इस पे ज़कात लाजिम होगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हर सब मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। इसका तरीक़ाकार यही है, जैसे उमूमी तौर पर गोल्ड है किसी के पास, सिल्वर है यानी सोना चांदी है, इसी तरह रुपए पैसे हैं, माल तिजारत रखा हुआ है, तो जिसके पास जो भी है वो अपना सवाल करे कि इस सूरत में मुझ पर ज़कात लाजिम होगी, मेरे पास ये चीज़ें हैं क्या मुझ पर ज़कात लाजिम होगी, मेरे पास ये चीज़ें हैं क्या मुझ पर ज़कात लाजिम होगी। फिर जो ज़कात का निसाब है, अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोले सोना मौजूद है तो उस पर ज़कात लाजिम होगी, अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी मौजूद है उस पर ज़कात लाजिम होगी, 52.5 तोला चांदी की जितनी रकम मौजूद है उस पर ज़कात लाजिम होगी, यूं ही अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी जितना माल तिजारत मौजूद है, सही, तो उस पर ज़कात लाजिम होगी। ये 3-4 चीज़ें अगर सारी मिलाकर 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाती हैं तो तब भी ज़कात लाजिम होगी। ताखिर का एक सबब ये बनता है हमारे यहाँ के पास, ये चाहते हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने में ही ज़कात दें, क्योंकि रमज़ान में फ़र्ज़ का सवाब जो है 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो ज़कात का फ़र्ज़ अदा करेंगे तो 70 गुना में सवाब मिलेगा, तो इसमें क्या हर्ज है? ये बात वाकई है कि तकरीबन हमने देखा है कि लोग रमज़ान मुबारक में ही ज़कात निकालते हैं। सही। अच्छी बात है, शरण ममानत भी नहीं है। सही। मगर ये भी देखना है कि ज़कात जब हम पे लाजिम हुई है तो उसके उसूल व ज़वाबित क्या हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना है। ये नहीं है कि सवाब हासिल करने के लिए एक गुनाह का इर्तिकाब कर लिया जाए। सही। मिसाल के तौर पर कोई शख्स 22 रजबुल मुरजब को वो साहिब निसाब हुआ, उसके पास निसाब जितनी रकम आई, पूरा साल गुजर गया, अब भी उसके पास निसाब जितनी रकम मौजूद है, तो इस पे लाजिम है कि ये 22 रजब को ही ज़कात की अदायगी करे। तरीका उसका यह है कि पहले से देख ले मैंने किस किस को ज़कात देनी है, कौन कौन सा शरीफ फकीर हैं जिनको मैंने देनी है, तो 22 रजब को अपनी ज़कात अदा कर दे। ये अगर रमज़ान तक इंतज़ार करेगा तो ये गुनाहगार होगा। सही। रमज़ान तक इंतज़ार करेगा तो ये गुनाहगार होगा, इसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं। हाँ, जिसकी ज़कात बनती ही रमज़ान में है वो बेशक रमज़ान में दे। मैं पूछना चाहता था कि मैं रोज के तकरीबन 1000 रुपये तकरीबन मैं रोज के कमा लेता हूँ, ठीक है, तो और उससे क्या वो रोज का मेरे घर में खर्चा हो जाता है, अकेला कमाने वाला हूँ घर में, तो वो जुड़ते नहीं है पैसे, बहुत ज्यादा भी हमको भी 10-15 हजार रुपये जुड़ जाता है, वो फिर लग जाते हैं महीने के एंड पे बिल वगैरह दे दिए या तो खर्चा वगैरह, तो
इस पे मैं ज़कात के बारे में पूछना चाहूँगा। जी, ये साहिब निसाब नहीं है ना? ठीक है, साहिब निसाब जैसे रकम इनके पास जमा हो जाए ज़रूरत से ज़ायद, ठीक, साल फिर शुरू होगा, फिर वो पूरा साल वो इनके पास रकम मौजूद रहे, साल के आखिर में फिर दोबारा ये साहिब निसाब हों, फिर ज़कात अदा करेंगे, वरना जो सूरत इन्होंने बयान की है तो ये खुद शरीफ फकीर है। ठीक, अगर इनके पास इसके अलावा और कुछ गोल्ड वगैरह या दीगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इन पर ज़कात लाजिम नहीं है। अच्छा, बाज़ अवक़ात ऐसा होता है कि बच्चियों की शादी के हवाले से, किसी मकान की ख़रीदारी के हवाले से, या और कोई प्लानिंग होती है, पैसे रखे हुए होते हैं हमारे पास, तो उस सूरत में ज़कात की क्या तरकीब? जब तक वो रकम मौजूद है तो वो ज़रूरत से ज़ायद रकम ही कहलाएगी, ठीक, और इसके ऊपर ज़कात देनी होगी। सही, जैसे जब तक वो रकम मौजूद है, हाँ, मकान ख़रीद लिया या जहेज़ का सामान लेके रख लिया, सही, वो एक अलहदा सूरत हो जाती है। जब तक रकम मौजूद है तो वो ज़रूरत से ज़ायद रकम ही कहलाएगी, सही, और इसके ऊपर ज़कात की अदायगी करना होगी। ठीक है।